हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर नीलम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन मेरा शेयर करने वाली हूँ। तो सुबह का जो झपटने वाला सारा काम, साफ सफाई वाला होता है, वो मेरा सारा पूरा हो चुका है और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू पूरे घर में से लगाने के बाद फिर मैं पोछा कर दूंगी, तो ताकि मेरा सुबह का जो आधा काम होता है वो मेरा पूरा हो जाएगा। और आज हमें सुबह एक न्यूज़ मिली कि बच्चों को 15 दिन की अभी छुट्टी देने में आई है, तो बच्चे ये सुन के काफ़ी खुश हो गए हैं। और इस वजह से मेरा जो रूटीन का काम है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। वो जो टाइम पे पूरा मैं कर रही थी, उस तरीके से मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ। और कल मैं ये सामान लेके आई थी, आलू लाई थी, प्याज और लहसुन लेके आई थी, क्योंकि जो वायरस चल रहा है इस वजह से ज़्यादा हो सके उतना मैं भीड़ वाली जगह में नहीं जाना चाहती थी। इसी वजह से मैंने हो सके उतना सामान घर में लाके स्टोर करना शुरू किया है। तो मैंने आलूओं को अपने जगह पे रख दिया, प्याज और लहसुन को भी अपने अपनी जगह पे रख दिया है। आप लोग भी हो सके उतना अपना ख्याल रखिएगा और भीड़ वाली जगह में जाने से रुकिएगा, और हो सके उतना सामान इस तरीके से घर में ही आप स्टोर कर पाओ तो स्टोर कर लीजिएगा। और बच्चे खुश हो गए थे, तो ये बच्चे अपना काम लेके बैठे थे और फिर से पूरा घर उन्होंने फैला दिया था। और मैंने फिर अपने कपड़े जो मेरे धोने वाले सारे बाकी थे वो कपड़े धुल दिए और उन्हें सुखा भी दिया है। और अभी यहाँ पर दोपहर का वक्त हो चुका है, तो आज दोपहर में मैं बच्चों की पसंद का ही खाना बनाने वाली हूँ, क्योंकि अभी छुट्टियाँ हैं तो उनकी पसंद से ही मैं सारा मुझे काम करना होगा। तो बच्चों को ये कोकोनट राइस बहुत पसंद है, तो जिसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल में जीरा और हींग डाल दी है, और इसके बाद मैंने आलू, सूखा हुआ नारियल, मूंगफली के दाने और हरी मिर्चों को मैंने तेल में डाल दिया है। और इन सबको तेल में मुझे थोड़ी देर के लिए भून लेना है। और इसके बाद मैंने चावलों को अच्छे से धो के रख दिया था, तो चावलों को भी मैंने आलू के साथ डाल दिया है और अभी उन्हें भी मैं थोड़ी देर के लिए इस तरीके से भून लूँगी। और उसके बाद इसमें मैं टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दूंगी, और नमक डालने के बाद फिर से एक बार भून लूंगी इन्हें, और फिर इसमें जितना पानी हमें चाहिए उस हिसाब से मैं इसमें पानी डाल दूंगी। ये चावल बहुत ही चटपट बन जाते हैं और बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं, वैसे चावल है। और इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर नहीं डलता है। आप एक बार इस तरीके से बनाइएगा और ये टिफ़िन में देने के लिए बेस्ट रेसिपी है। और मैंने लोहे की कढ़ाई में ये चावल बनाए थे, इस वजह से इनका कलर थोड़ा सा ब्लैक जैसा दिख रहा है, लेकिन चावल खाने में बहुत टेस्टी बने थे। और इन चावलों को आप हरी चटनी के साथ भी एंजॉय कर सकते हो, नहीं तो दही के साथ भी एंजॉय कर लीजिए, रायता बना लीजिए। चावल खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं और किचन में आपको कम वक्त देना पड़ेगा और आपका बहुत ही यम्मी वाला खाना, बच्चों की पसंद का खाना तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में यही परिपूरा करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।